इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायबरेली के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश बहादुर सिंह, सचिव ओमिका चौहान एवं अन्य पदाधिकारियों ने आज प्रदर्शन करके जिला अधिकारी रायबरेली को एक ज्ञापन सौंपा। सत्यम हॉस्पिटल के खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई और अस्पताल के निलंबन का विरोध भी जताया। हम आपको बताएं कि IMA के पदाधिकारियों ने लिखित रूप से रायबरेली के जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव को से कहा कि सत्यम हॉस्पिटल के विरुद्ध स्वास्थ्य सेवाएं निलंबित करने संबंधित जानकारी होने पर चिकित्सकों में आक्रोश है। पदाधिकारियों ने मांग की कि इस प्रकरण में अब तक जो भी हुआ उस पर IMA परिवार प्रशासन तथा जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग करता चला आ रहा है, लेकिन अब जो व्यवस्था दी गई है वह अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि IMA कार्यकारी समिति एवं नर्सिंग होम एसोसिएशन की संयुक्त बैठक में सभी चिकित्सकों ने अपने ऊपर होने वाले सौतेले व्यवहार के ऊपर रोष प्रकट किया एवं सत्यम हॉस्पिटल तथा डॉक्टर आशुतोष सिंह के साथ इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई के विरुद्ध में खड़े होने में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की, साथ ही न्याय दिलाने की मांग की। हम आपको बताएं कि आज सत्यम हॉस्पिटल के समर्थन पे उतरा है IMA। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से IMA के जिलाध्यक्ष ब्रजेश सिंह, डॉक्टर ओमिका सिंह चौहान, डॉक्टर संजय रस्तोगी, डॉक्टर तहसीन खान, डॉक्टर RS मारवीय, डॉक्टर संजीव जायसवाल, डॉक्टर मनीष त्रिवेदी समेत तमाम डॉक्टर मौजूद थे। 7 की डेस्क रिपोर्ट।